जो एनसीआर देख के मैं अभी तक पढ़ के आई हूँ उस एनसीआर जब मैंने फिर से खोली मुझे इतना रोना आ रहा था क्योंकि कि मेरे पढ़, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि कोई अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी कॉलेज में जाने के बाद नीट से हम जो सुन के आए थे कि जो होगा नीट के टाइम वो तो देखा जाएगा पर अभी अगर किसी के पास छह महीने सात महीने टाइम बचे तो हेलो हेलोवान मेरा नाम सृष्टि शाह है और मैं वेस्ट बंगाल कुछ बिहार से हूँ अभी मैं फर्स्ट ईयर एम स्टूडेंट हूँ एट एम्स ऋषिकेश और इसी के साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ इन माय चैनल सृष्टि साहा एम्स एक छोटे से शहर के गवर्नमेंट स्कूल की लड़की होकर कैसे मैं आज अपने सारे खर्च अपनी सारी शौक उन्नीस साल की उम्र में खुद उठा रही हूँ इसका जर्नी आज मैं बताऊंगी तो इस जर्नी का शुरुआत हुआ था तेरह दिसंबर दो को जब सभी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि लड़का पैदा होगा पर घर की सेकंड चाइल्ड भी एक लड़की हुई थी मेरे सारे मेरे पापा को ये बोल के तरस थे कि कोई बेटा नहीं हुआ तुम तो लोगों का पर अभी वो रिलेटिव जो मेरे मम्मी पापा को आगे ये बोलते हैं कि अगर ऐसे बेटियाँ हो तो बेटा का क्या जरूरत तो बचपन से मैं पढ़ाई में बहुत फोकस थी और बहुत पढ़ाई करती थी पर मेरे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग बात ये था कि कंपैरिजन और वो भी मेरे दीदी के साथ बचपन से मैं और मेरी दीदी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसीलिए जब भी मैं कुछ करती थी उसका कंपैरिजन मेरे स्कूल टीचर्स लाते थे मेरी दीदी के साथ अगर पीटीएम में मेरे बाकी बैचमेट्स का सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बात होता था पर मेरा होता था कंपैरिजन मेरे दीदी के साथ अगर वो लोगों का बात होता था कि वो पिछले समय टी उसे कितना ज़्यादा अच्छा किया है मेरा होता था कि अगर मेरी दीदी होती तो शायद इससे ज़्यादा करती और इसीलिए बचपन से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था मेरे स्कूल की वजह से सो टेंथ बोर्ड्स के बाद अभी डिसीजन लेने का टाइम आया कि मुझे मेडिकल लेना है या फिर नॉन मेडिकल उस टाइम के लिए मेरे बचपन से एक पैशन था कि मुझे डॉक्टर बनना है और इसका स्टोरी बहुत पुरानी कहानी से जुड़ी हुई है मेरे पापा का एक स्टोरी मैं आज बताऊंगी। मेरे पापा बहुत गरीब घर से थे पापा को भी डॉक्टर बनने का इच्छा था पर पापा उधर लेके पी का एग्जाम भी दिए थे उसके बाद जब रिजल्ट देखने का टाइम आया पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि पापा रिजल्ट के लोकेशन में जाके रिजल्ट देख पाए तो पापा उसके दोस्त उसके दोस्त के पापा को बोल दिए थे कि आप मेरे रिजल्ट देख के आ जाना और उसके दोस्त के पापा आ, पापा को ऐसे आके बोले कि तुम्हारा नहीं हुआ मेरे बेटा तो इतना अच्छे कोचिंग से कोचिंग लेकर भी नहीं हुआ तुम तो इतना गरीब हो तुम्हारा कैसे ही होगा पर वो चीज पापा को उतना ट्रस्ट नहीं हुआ था क्योंकि पापा बहुत इंटेलिजेंट थे पापा को एग्जाम देने के बाद ऐसा लगा था कि पापा को हो जाना चाहिए और उसी बात पापा को हमेशा से ऐसा लगता है कि शायद वो सही नहीं बोले थे और वो बात ही पापा हमको बोले थे कि मेरे दो बेटियां है ना वो डॉक्टर बनेंगे इसीलिए मेरे पापा को इच्छा था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटियों ने कर दिया फिर इलेवेंथ को मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स लेके मैंने स्टार्ट कर दिया था उसके बाद लोकल ट्यूशंस ली थी मैं कि मुझे नीट का प्रिपरेशन शुरू करना है पर ऐसे होता है ना इलेवेंथ आने के बाद हमें समझ ही नहीं आता है कि हमको कैसे प्रिपरेशन लेना है तो ऐसे करके हम बहुत उलझ मैं बहुत उलझ गई थी और इलेवेंथ का पूरा एक साल मेरा बर्बाद हो गया था इलेवेंथ के एंड में आके मेरा प्रिपरेशन लेवल जीरो में था उसके बाद जब ट्वेल्थ आया कोविड आया और कोविड के लॉकडाउन में मेरा अपॉर्चुनिटी आया कि मैं मेरा नीट प्रिपरेशन को रिस्टार्ट करूँ लॉकडाउन के टाइम मैंने प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट किया और जब मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी और उस टाइम मैंने बहुत मेहनत की थी मैंने सुबह सुबह सात बजे मैं उठती थी उसके बाद मैं पूरे दिन पढ़ती थी मैंने पढ़ाई करती थी उसके बाद मैंने एम सी सॉल्व करती थी बिल्कुल जो एक प्रॉपर नीट जर्नी होना चाहिए मैं पूरे दिन ऐसे ही पढ़ती थी और एक साल में मुझे इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना था इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ बातें करना फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना रिलेटिव्स के साथ मिलना सब कुछ सैक्रिफाइस की थी पूरे एक साल के लिए क्योंकि ऐसे पता था कि एक साल बाद मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तब ये सैक्रीफाइस एक वैल्यू देगा मुझे फिर एक साल बाद जब लॉकडाउन खत्म हो गया और नीट का डेट फाइनल हुआ ट्वेल्थ सेप्टेम्बर टू और उसी टाइम मैंने पूरे दिन इसी सोच में पढ़ती थी एनसीआरटी देखती थी और ये सोचती थी कि बस और कुछ दिन का बात है इसके बाद जब मैं नीट दूंगी ट्वेल्थ सितंबर के बाद ही सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा सारा सेक्रीफाइस जो मैंने अभी तक कि किया है वो मुझे रिजल्ट देगा ये सब कुछ मैंने सोचती थी और उसी टाइम को मैंने मेरे जिंदगी का सबसे अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ सिक्स so, सितंबर मेरे मम्मी और पापा का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया और एट सितंबर मतलब नीट के चार दिन पहले मेरे आ, रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव आया मैंने फिर भी बहुत कोशिश की थी मैंने दिन में चार चार पैरासीटामॉल लेती थी कि मेरा नीट फिर मैं फिर भी मैंने दे पाई पर इतना ज़्यादा बॉडी पेन था मैंने वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती थी चल के तो मेरा ट्वेल्थ सितंबर का जो नीट था मैंने मिस कर दिया जो एक साल मैंने ट्वेल्थ सितंबर का दो से पाँच बजे का टाइम इतना अच्छे से प्लानिंग की थी कि मुझे पहले बायोलॉजी करना है फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स वो दो से पाँच बजे तक मैंने अपने रूम पे बैठे बैठे रो रही थी बस मुझ मैंने पूरा दो से पाँच बजे का टाइम ऐसे रो ही रही थी और इसके बाद ही मेरे लाइफ का और ज़्यादा बुरा फेस आ गया मेरे नीट और नीट का मैंने प्रिपरेशन ले रही थी और जेई मेंस मैंने ऐसी दी थी पर मेरे जेई मेंस का क्लियर हो गया था मेरे एन भोपाल में कंप्यूटर साइंस का सीट अलाट हो गया था और मेरा नीट मैंने नहीं दे पाई थी तो सारे रिलेटिव मुझे ये बोल रहे थे कि तेरा नीट नहीं हुआ और एन हो गया तो एन आई टी ले पर मैं बोली थी जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन ली हूँ मुझे वो एक बार देना है एनआईटी हो गया तो अच्छी बात है पर उसके लिए मेरा प्रिपरेशन नहीं था और वो लोग मुझे यही बोल रहे थे मेरे मम्मी पापा को भी ये बोल रहे थे कि क्या पता अगले साल के लिए अगर वो प्रिपरेशन लेगी तो उसका एन नहीं मिलेगी अच्छी और नीट तो वैसे भी किसी का नहीं होता बीस लाख बच्चों ने नीट देते हैं और उसमें से बस एक लोगों का नीट क्लियर होता है पर उस टाइम मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए थे और मैं जब बोली थी नहीं मुझे फिर से नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू करना है और मुझे नीट देना है मुझे ड्रॉप लेना है इस साल के लिए मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए थे इसके बाद मैं नीट के जर्नी फिर से शुरू किया पर उस टाइम ऐसा हुआ था जो एनसीईआरटी देख के मैं अभी तक पढ़ के आई उस एनसीईआरटी जब मैंने फिर से खोली मुझे इतना रोना आ रहा था क्योंकि मैं एक एक पेज को तब छोड़ दी थी पढ़ना कि मुझे अभी नहीं पढ़ना टेम्बर तक ही पढ़ना है उसको जब मैंने फिर से खोला मुझे सारी पुरानी बातें याद आती थी और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मुझे ऐसा हुआ था दो महीने में रेगुलर मैं एंटी डिप्रेशन लेती थी मैंने खाना नहीं खा पाती थी रात को सो नहीं पाती थी बस ये सोच के कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि कोई अच्छे के लिए हुआ होगा पर मैं कोई अच्छा नहीं देख पा रही थी मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा था उस टाइम फिर भी मैंने बहुत मेहनत से फिर से नीट का प्रिपरेशन शुरू किया था इसके बाद मैंने उस टाइम नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था इसके लिए क्योंकि मेरे पढ़, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि कोई अगर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूंगी तो टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस होगा अगर उसके हिसाब से मैं पढ़ती रहूंगी तो मेरा हाथ में जो ऑलरेडी बच्चे जो छः सात महीना है उसके बेसिस पे मैंने प्रिपरेशन मेरा हो जाएगा तो जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस होता था मैं पूरे हफ्ते उसको ही रिवाइज करती थी और फिर संडे को जाके मैं टेस्ट देती थी फिर टेस्ट का जो मुझे नहीं आता था या फिर मैं गलत करती थी वो मैं टेस्ट के बाद देख लेती थी उसके बाद फिर से ऐसे साइकिल में रिपीट करती थी हर संडे का जो टेस्ट सीरीज होता था मैं उसके लिए प्रिपेयर करती थी और उस टेस्ट सीरीज को मैंने देती थी

आंसर uh, की मिलाने के बाद मुझे समझ आ गया था मुझे इस बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और मुझे सिलेक्शन भी हो जाएगा फिर नीट uh, का रिजल्ट आया और मैं अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गई और मुझे उसके बाद सारे प्रोसीजर के बाद मुझे एम ऋषिकेश अलॉट हुआ जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इसके बाद हम वो सारे रिलेटिव्स के घर गए थे और मिठाई बांटने के लिए गए थे जो मुझे उन लोगों का सजेशंस दिए थे कि नहीं तो नीट उनके लिए और मत सोचना तू जे एन ले ले क्योंकि नीट वैसे भी किसी का नहीं होता हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम हमारा नीट वीट नहीं होता हम जो मिल जाता है अच्छी बात है नहीं मिलेगा तो उसके लिए एक साल मत वेस्ट कर हम उस अंकिल के पास भी गए थे जो अंकिल मेरे पापा का रिजल्ट गलत बताए थे और मेरे पापा उस अंकिल को भी बताए थे कि मेरे दोनों बेटियाँ अभी डॉक्टर बन रही है और मेरे पापा और मम्मी बहुत प्राउड फील कर रही थी कि पापा को दोनों बेटों को डॉक्टर ही बनाना था और अभी मेरी दीदी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है और मैं भी एम्स में मेडिकल कर रही हूँ फिर मैंने एम्स में एडमिशन लिया और एम्स में आने के बाद मैंने एम्स में आने के टाइम जो मैंने छोटा छोटा क्लिप्स ली थी उसको मैंने एडिट करके बहुत रैंडमली एक रील बनाई शॉर्ट्स टाइप का और मैंने यूट्यूब में उसको अपलोड अपलोड कर दिया पर ऐसा हुआ था वो रील में अस्सी लाख व्यू आ गया था बहुत वायरल गया था वो वाला रील और मैं कॉलेज में आने के पहले वो वाला रील जो कॉलेज में जो सीनियर्स थे या फिर मेरे जो बैचमेट्स थे वो लोग देख के आ गए थे तो कॉलेज में आने से पहले मैं बहुत फेमस हो गई थी कॉलेज में तो कॉलेज में आने के बाद ऐसा हुआ था मेरे सारे सीनियर्स मुझे जानते थे मेरे सारे बैचमेट्स मुझे बोल रहे कि हाँ मैंने तुमको यूट्यूब में देखा है तुमको तुम्हारा एक रील मैंने देखा है और दोस्तों के दोस्तों के बीच में भी ऐसा होता है कि शुरू शुरू में दोस्ती तो अच्छा होता है पर जब धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो लोग बस पढ़ रहे हैं और कॉलेज लाइफ है उन लोगों का पर मेरा पढ़ने के साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम भी है तो सब कुछ मेरे बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म भी मैं ग्रो कर रही हूँ उससे क्या होता है कि दोस्तों के बीच में एक जेलेसी वाला फैक्टर आ जाता है तो दोस्ती उतना नहीं मेनटेन होता है कॉलेज में जाने के बाद एक नेशनल मेडिकल सेंट्रल मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे कल्चर का दोस्त आ, बनता है पर कॉलेज में जाने के बाद नीट से हम जो सुन के आए थे कि एक बार बस मेडिकल कॉलेज में चले जाओ उसके बाद बस मज़े ही मजे वो चीज़ मैंने देखा है कि वो नहीं होता है एक्चुअली क्या होता है कॉलेज में जाने के बाद पहले से हम ये सुन के आते थे कि बस नीट का पढ़ाई कर लो उसके बाद मज़े मजे पर नीट के देने के बाद हम कॉलेज में जाते तब ऐसा होता है बहुत सारे और पढ़ाई आ जाता है और फैमिली फैमिली से दूर जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ एक साथ हैंडल करना पड़ता है आपको खुद का लाइफ भी और पढ़ाई भी और सोशल लाइफ भी तो कॉलेज जाने के बाद भी लाइफ इतना ज़्यादा इजी नहीं हो जाता है कॉलेज जाने के बाद भी और ज्यादा स्ट्रगल आ जाता है जो हम घर पे बैठ के जब नीट के प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमको उतना समझ नहीं आया था जो लोग अभी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए अगर कोई ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है तो मैं बस ये बोलूँगी कि जो होगा नीट के टाइम वो तो देखा जाएगा पर अभी अगर किसी के पास छः महीने सात महीने टाइम बचे हैं तो उसमें आप आपका हंड्रेड परसेंट दे आप प्रिपेयर कर लो और जो आपका टीचर्स बता रहे हैं जो आप खुद समझ पा रहे हो कि आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिए तो वही मेरी कहानी थी आपकी कोई और कहानी होगी आप अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं मैं पर्सनली आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई बुरे टाइम से या फिर डिफिकल्ट पीरियड से आप जा रहे हो तो ये बात हमेशा अपने आप को बोलना कि वक्त ही तो है बदल जाएगा कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बुरा टाइम जा रहा है वो हमेशा के लिए परसिस्ट करेगा बुरा टाइम चले जाते हैं और उस टाइम में आप अगर कुछ मेहनत कर रहे हो वो आगे आपको रिजल्ट देगा तो थैंक यू